हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एलन स्पिन्स। मैं चुका एक नया वीडियो लेके, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग ऑटो कैच फाइल डिलीशन वाला सिस्टम को टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो जो लोग सैमसंग पे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो वो लोग ये इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि उन लोग का जो कैच फाइल है, जो फ्री फायर और पबजी के अंदर एक्स्ट्रा कैच फाइल्स रहता है जो आता है अंदर डाउनलोड करने के लिए, वो हर रात के 12 बजे अपने आप डिलीट हो जाता है। तो आप लोग अगर ये वाला प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए ये वाला वीडियो है, और इसका सबसे इजी टेक्निक है जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो पहले आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डिवाइस केयर का। अगर आपका 2018 या फिर उससे बाद का फ़ोन है, तो आपको डिवाइस केयर में ऑप्शन मिलेगा, वरना आपको बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा अगर बहुत पहले का सैमसंग का फ़ोन है तो। तो अगर आप डिवाइस केयर में जाते हो, तो डिवाइस केयर में आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। तो स्टोरेज के ऑप्शन में आप जाइए। स्टोरेज के ऑप्शन में जाने के बाद आपको स्टोरेज बूस्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, जो फाइल्स डॉक्यूमेंट्स इमेज है उसके ऊपर ही ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज बूस्टर का। उसको अगर क्लिक करते हैं तो एकदम नीचे जाइएगा, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट अननेसेसरी डाटा। तो ये डिलीट अननेसेसरी डाटा में ही आपको इसको ऑफ करना है, जो मैं ऑफ करके रखा हूँ पहले से। इसको आपको ऑफ करना है, जो डिफॉल्ट में ऑन आता है और डेली एट मिडनाइट का शेड्यूल किया हुआ रहता है, मतलब हर रात को 12 बजे आपका ये अननेसेसरी डाटा डिलीट हो जाएगा। तो इसके साथ कैच फाइल्स भी है, ऑप्शन में देख सकते हैं कैच फाइल्स भी लिखा हुआ है, तो इसीलिए कैच फाइल्स भी आपका डिलीट हो जाता है। तो सिंपली इसको टर्न ऑफ कर दीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका, और रात को 12 बजे कोई कैच डिलीट नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।